हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राकेश शाह, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम डॉक्टर राकेश फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोटौना। आज बात करते हैं टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो यानी कि हमारे कोहनी में बाहरी की तरफ से होने वाली दर्द, तो आज टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि टेनिस एल्बो को हम लोग किस प्रकार से टेस्ट करें, पता लगा लें कि ये टेनिस एल्बो ही है। तो इसके लिए 3 टेस्ट होता है, आपको टेस्ट मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे उस टेस्ट को करना है और कैसे पता करें कि ये टेनिस एल्बो है। फिर उसके बाद जो भी टेनिस एल्बो के लिए एक्सरसाइज आता है वो आप करके आप अपने घर बैठे इस चीज़ को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए जानते हैं कि कैसे टेस्ट करें और कैसे पता लगाए कि हमें टेनिस एल्बो है। जो हमारे फर्स्ट टेस्ट है उसे माइल टेस्ट कहते हैं। माइल टेस्ट को कैसे करना है चलिए देखते हैं। माइल टेस्ट में क्या करना है, पेशेंट को हैंड को पूरी तरह से इस तरह से रिलैक्स कर देना है। आपको अपने थंब से जो लेटरल एपिकोंडाइल है उसे फील कर लेना है। पेशेंट का हैंड प्रोन पोजीशन में रहेगा और रिस्ट को इस तरह से बैंड कर देना है। इस तरह से बैंड करने के बाद हैंड को नीचे की तरफ लेके आना है। नीचे की तरफ आप लेके आओगे तो पेशेंट को लेटरल एपिकोंडाइल के साइड पे बहुत तेज से दर्द आएगा। इसका मतलब है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है। अगर पेन नहीं आता है इसका मतलब है ये टेस्ट नेगेटिव है। अब जानते हैं नेक्स्ट टेस्ट के बारे में। टेनिस एल्बो के लिए सेकेंड टेस्ट जिसे कोजन टेस्ट के नाम से जानते हैं, तो इस टेस्ट के लिए हैंड इस तरह से पूरा रिलैक्स में रहेगा और अगेन हमें लेटरल एपिकोंडाइल को अपने थंब से फील कर लेना है और फील करने के बाद पेशेंट को बोलेंगे कि अपना हैंड को ग्रिप कर ले। वो अपना हैंड इस तरह से ग्रिप कर लेगा। ग्रिप करने के बाद रेडियल डिवीजन में हैंड को वो ले जाएगा। ले जाने के बाद रिस्ट को एक्सटेंशन करना है यानी कि ऊपर की तरफ करना है। जब पेशेंट अपना हैंड ऊपर की तरफ कर रहा है तो आप बाहरी फोर्स यानी कि आप अपने हैंड से रिस्ट को रसिस्ट कर दीजिए नीचे की तरफ, यानी कि रसिस्ट में ही रिस्ट एक्सटेंशन होगा। तब जाके उसको जो है सो लेटरल एपिकोंडाइल के पॉइंट पे काफ़ी पेन आएगा, यानी कि पेन ना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी टेस्ट पॉजिटिव है। अगर पेन नहीं आता है इसका मतलब ये टेस्ट भी निगेटिव है। अब जानते हैं नेक्स्ट टेस्ट के बारे में, जो हमारा थर्ड टेस्ट है। थर्ड टेस्ट हमारा मैथली टेस्ट है जिसमें हमारा हैंड का पोजीशन यही रहेगा और इसमें हमारा पूरा फिंगर खुला हुआ रहेगा, जिसमें पेशेंट को बोलेंगे जो मिड फिंगर है उसे इस तरह से ऊपर उठाए। और जब पेशेंट इस तरह फिंगर को ऊपर उठाएगा तो हमें अपने फिंगर के साथ उसे रेसिस्ट करना है नीचे की तरफ। तो उसके वजह से अगर पेन आना स्टार्ट होता है लेटरल एपिकोंडाइल पे तो ये भी टेस्ट पॉजिटिव माना जाएगा। अगर पेन नहीं आता है तो ये भी टेस्ट निगेटिव है। इन तीनों टेस्ट करने के से अगर आपका पेन नहीं आता है लेटरल एपिकोंडाइल के आसपास तो आपका पेन टेनिस एल्बो का पेन नहीं है। अगर पेन आता है तो ये आपका टेनिस एल्बो टेस्ट पॉजिटिव है। फिर आप टेनिस एल्बो का एक्सरसाइज करके आप अपने पेन को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आया हो। मेरे चैनल पे और भी कई सारे वीडियो है जिसको आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं, जो बिल्कुल हेल्थ संबंधित है, जिसमें नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन और घुटना दर्द इन सब के ऊपर वीडियो है, जिसमें बताया गया है कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से यानी कि एक्सरसाइज द्वारा आप अपने घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप बिल्कुल जो है सो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट करके उसे बिल्कुल पूछ सकते हैं।